हाँ दोस्तों, आज हम आपको कैनूला में इंजेक्शन लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपने इंजेक्शन लेना है और इस तरह उसको पैकेट से निकाल लेना है। उसके बाद इस इंजेक्शन को हम निकालते हैं। इस तरह इसको निकाल लेने के बाद आपको डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको आपको अपनी सिरिंज में भरना है। इसको आपको इस तरह तोड़ना है। इसको तोड़ने के बाद अब हम सिरिंज को लेते हैं। सिरिंज को लेने के बाद हम इसमें से कैप को निकालते हैं और सीधा इसमें से वाटर को सिरिंज में भर लेते हैं। इसको आपको धीरे धीरे आसानी से भरना है ताकि इसमें बबल्स ना आएँ। थोड़ा बहुत बबल्स आ जाते हैं तो उससे कोई बड़ी बात नहीं, बाद में आप बबल्स को निकाल भी सकते हैं। इसके बाद हमने इसको भर लिया है और इसको फेंक देंगे। उसके बाद हम इसमें इसको तोड़ते हैं और इंजेक्शन को इसमें भरते हैं, वाटर को इंजेक्शन में भरते हैं। इस तरह हमें इसमें पानी को भर दिया है और अब इस सिरिंज को हम इस तरह एयर निकालेंगे जो कि बोतल के अंदर से एयर सिरिंज में है। अब इसके बाद आपको इसको पाउडर और वाटर को मिक्स करना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसी सिरिंज में इसको भर लेंगे। जो एयर सिरिंज में है इसको हम बोतल के अंदर डालेंगे जो कि नीडल को पानी से ऊपर उठाकर। इसके बाद हम नीडल को नीचे करते हैं और इंजेक्शन को भर लेते हैं। ये अपना भरने लगेगा पूरी तरह। इसको कैनूला में किस तरह लगाते हैं, बचा हुआ हमने भर लिया है, बोतल खाली हो गई, सिरिंज में सारा इंजेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इसके बबल्स को निकालते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह हम बबल्स को निकाल लेते हैं। जितनी भी एयर इसमें है उस एयर को हम एक्स्ट्रा एयर को निकाल लेते हैं। एयर को निकालने के बाद हम इसमें से कैप को लगाते हैं और नीडल को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम कैनूला के कैप को खोलते हैं और उसके बाद हम इससे नीडल निकालते हैं और सीधा इसमें हम इसको धीरे धीरे स्लोली स्लोली अंदर दवाई को छोड़ते हैं। 5 से 10 मिनट तक आपको धीरे धीरे दवाई को छोड़ना है। इस तरह हमने इसमें धीरे धीरे दवाई को छोड़ दिया है। दवाई पूरी अंदर चली गई है। इसके बाद हम आगे से दबा लेंगे ताकि दवा बाहर ना निकले और इसको हम नीडल सिरिंज को